रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को रक्षा सामग्री की एक और सूची जारी की। इस सामग्री का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2020 में 101 सामग्री की पहली सूची और वर्ष 2021 में 108 उपकरण व अन्य सामान की दूसरी सूची जारी की जा चुकी है। अब तीसरी सूची में संभवतः 100 सामग्री शामिल की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े बयान में कहा कि इन सूचियों में शामिल रक्षा सामग्री को वर्ष 2025 तक देश में ही बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद इनके आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब तक जारी की गई सूचियों में तो वायुयान, लड़ाकू विमान व इनमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन प्रणाली भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जारी हुई तीसरी सूची में जिन 100 रक्षा सामग्रियों को रखा गया है उनके देश में बनने से अगले 5 वर्षों में भारतीय कंपनियों को 2.1 लाख करोड़ रुपए के रक्षा ऑर्डर मिल सकेंगे। बता दें कि पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद से रक्षा मंत्रालय में कुल 53,839 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। इनमें शामिल रक्षा सामग्री का निर्माण देश में ही शुरू किया जा रहा है, जबकि 1,77,258 करोड़ रुपए की 83 और परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अगले 5 से 7 वर्षों के बीच कुल 2,93,741 करोड़ रुपए के अन्य रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण पर भी कार्य शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।